ठीक है, तो अपन जो है ना फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में अपन ये आज के लेक्चर में मॉडुलस अपन ने सीखा हुआ है, क्या क्या सीखा है वो एक बार मैं बता देता हूँ। बताओ मॉड एक्स, इसकी वैल्यू अगर आपको देनी है तो याद रखना है ये हमेशा कैसा फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन है। इसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मेरे को पूरी मैथ्स में इसकी घड़ी घड़ी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने पिछले 4-5 दिन में बहुत चीज़ें बताई हैं इसके बारे में, तुम्हें जितनी याद रह जाएँ तुम आगे मेरे को बताते चलना। तो इसका मतलब होता है अगर x ग्रेटर देन जीरो है या इक्वल टू जीरो है तब तो ये मॉड हटेगा, लेकिन अगर x लेस देन जीरो है तो इसकी वैल्यू आपको माइनस x लिखनी पड़ेगी। जैसे बिल्कुल सिंपल है ना, मॉड 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, मॉड माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, वो 2 को अपन क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ माइनस 2। बहुत सिंपल से पॉइंट है। और भी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी आपको, बताओ इसमें आपसे कोई बोले मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, इसका मतलब एक्स कहां से कहां तक हो सकता है? अगर नहीं समझ में आए कुछ नंबर ले लो, लेकिन कभी भी ऐसा आए तो समझना कि अंदर वाला नंबर 2 से बड़ा हो सकता है या माइनस 2 से छोटा, क्योंकि यहां पे तुम माइनस 3 रखोगे तब भी 3 ग्रेटर देन 2 है और प्लस 3 रखोगे तब भी 3 ग्रेटर देन 2 है। तो ये हमने सीखा है कि या तो x ग्रेटर देन 2 होगा या x लेस देन इक्वल टू माइनस 2 होगा। और यहां पे कोई बोलता मॉड x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो यहां पे x की वैल्यू वो कहां से कहां तक आती, माइनस 2 से 2 तक आती, क्योंकि मॉड x 2 से छोटा है ना, तो 2 से छोटा कोई भी नंबर रख दो, 1 रखो चाहे माइनस 1 रखो, तो माइनस 1 का मैग्नीट्यूड भी 1 ही आएगा, 1 लेस देन 2 है, और माइनस 1 रखोगे तब भी 1 लेस देन 2 है। तो ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, याद करनी है। कुछ और भी प्रॉपर्टीज तुम्हें बताई थी, बताओ ऐसे कोई बोल दे मॉड ए प्लस मॉड बी और यहाँ पे आ जाए मॉड ए प्लस बी, इनके बीच में साइन लगाना हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बताया था कुछ चीज़ें आपको। बताइए क्या बताया था लास्ट क्लास में आपको, क्या यहाँ पे ये क्वांटिटीज तो ऑलवेज ऐड ही होगी ना, ऐड ही होगी, मॉड ए बी प्लस मॉड बी बी प्लस, तो प्लस में प्लस जोड़ोगे तो प्लस ही होगी, लेकिन यहाँ पे ए और बी को अगर तुम प्लस प्लस में रखोगे तो प्लस भी हो सकता है, लेकिन ए की वैल्यू तुम प्लस में बी की वैल्यू माइनस में रखोगे तो माइनस भी हो सकता है। तो ये क्वांटिटी इसके अंदर एडिशन भी हो सकता है और सबसेक्शन भी, तो सबसेक्शन होगा तो ये क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी तो ये लेस आ गई, और जब एडिशन हो रहा होगा तब ये बराबर आ जाएगी। तो ये सब सिखाया हुआ है तुम्हें, तो वो अच्छे से लेक्चर्स देखो, नहीं देखे हो तो बार बार लेक्चर्स देखो, सब समझ में आ जाएगा, शुद्ध हिंदी में पढ़ा रहे हैं। अब अपने को ना ये मॉडुलस की आखिरी क्लास है, ये फिर नेक्स्ट टॉपिक्स चालू हो जाएंगे, तो इसमें अपने को मॉडुलस की इनइक्वालिटीज़ देखनी है कि मॉडुलस में इनइक्वालिटीज़ कैसे सॉल्व करोगे आप। तो प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस देखते चलो, सब समझ में आने लग जाएगा। आप एक क्वेश्चन लिखते चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, बस छोटा सा लिखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉड एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मॉड एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये आपको बोला हुआ है। तो क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो चलो एक क्वेश्चन में मैं सारे तरीके, या देख लो आप बताओ, तुम बताओ कोई तरीका, तो वैसे मैं कर लूँ, तरीके बहुत सारे हैं, सारे तो कैसे बताएं अपन, कुछ एक तरीके, या तो इसमें आप अपनी दिमाग की जो है ना घोड़े उनको दौड़ाओ, और आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए अगर मॉड एक्स बड़ा है किसी नंबर 2 से, तो अभी अभी तुम्हें बताया था या तो x बड़ा होगा 2 से या x छोटा होगा किससे, माइनस 2 से। आप मन में सोचिए कि यहाँ पे अगर मैं माइनस 3 रखता, माइनस 2 से छोटा माइनस 3, तो माइनस 3 का मैग्नीट्यूड भी 3 आता, 3 बड़ा है 2 से। ये मॉडुलस फंक्शन हमेशा आंसर किस में देता है, प्लस में, प्लस में। तो माइनस 3 का मॉड कितना होता, 3, क्या 3 ग्रेटर है 2 से, बिल्कुल। और यहाँ पे 3 रखते तब भी आंसर 3 मिलता, क्या 3 बड़ा है 2 से, बिल्कुल सही है। तो अगर ये आपको नहीं पता है तो आज से याद करना है कि मॉड x अगर 2 से बड़ा है तो x या तो 2 से बड़ा होगा या माइनस 2 से छोटा। तो यहाँ पे दो केसेस बना लेते कि x माइनस 3 या तो 2 से बड़ा होगा या फिर x माइनस 3 माइनस 2 से छोटा होगा। आंसर आ गया हमारे पास, या तो x बड़ा होगा 5 से और या फिर x लेस देन होने वाला है 1 से। तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन फाइव टू इन्फिनिटी। ये सब क्या लिखा हुआ है सब मैं बता देता हूँ, देखना याद करना है, प्रॉपर्टीज हैं, नहीं याद है तो याद करनी पड़ेंगी कि ऐसा कुछ भी दिखता है इसको मॉडुलस कहते हैं अपन, मॉडुलस एक्स प्रॉपर्टी है। मॉडुलस एक्स अगर टू से बड़ा है इसका मतलब है कि मॉडुलस एक्स अंदर वाला नंबर या तो दो से बड़ा होगा, क्योंकि दो से बड़े सारे नंबर्स का मॉड दो से बड़ा ही होगा, माइनस दो से छोटे जो नंबर होगा उनका मॉड भी वो क्या होने वाला है, बड़ा ही होने वाला है। इसको ना लोग बाग नंबर लाइन से याद करते हैं, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है याद करने के तरीके हैं कि अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो नंबर लाइन पे एक जगह ए आएगा एक जगह माइनस ए आएगा। कभी भी आपसे कोई बोले मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इसका मतलब एक्स या तो ए से बड़ा होगा या एक्स माइनस ए से क्या होगा, छोटा। ये प्रॉपर्टीज पिछली क्लास में पढ़ी हैं अपन ने, नहीं पढ़ी हो तो देख लेना। अगर कोई आपसे बोले मॉड एक्स छोटा है ए से, इसका मतलब प्रॉपर्टी ये होती है कि जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, माइनस ए से ए तक। अब प्रॉपर्टी यही है, उसको आप विजुअलाइज करो, सोचो कि ये ए है, ये ए से बड़ा नंबर है, चाहे वो माइनस में लिखो चाहे प्लस में लिखो उसका मॉड ए से बड़ा ही आएगा, और ए से छोटा चाहिए तो अंदर वाला नंबर भी ए से छोटा होना चाहिए, चाहे वो प्लस में छोटा हो चाहे वो माइनस में छोटा हो। तो यहाँ से ये दो आंसर्स आ जाएंगे, और इन आंसर्स में ये सब बताया ही था आपको, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब वन इंक्लूडेड है और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब फाइव भी इंक्लूडेड है। तो अभी सारे जितने भी क्वेश्चन थे ना इनमें छोटी छोटी प्रॉपर्टीज लगाओ वो बताते जा रहा हूँ मैं, और ये अपने को पूरे साल भर काम आएगी। तो हो सकता है अभी नहीं समझ में आया तो आगे आपको बार बार यूज़ करेंगे अपन। इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे, लॉग पढ़ोगे, एपी जीपी एचपी पढ़ोगे, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम, तो वो अलग अलग जगह यूज़ करवाएंगे हम आपसे। इसलिए अभी एक बार बता देते हैं कि जब मैथ्स में जरूरत पड़े तो बताना। आगे चलते हैं अपन, तो इसका यही आंसर आ जाएगा, एक्स कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, या तो वन से छोटा है, वन से छोटा मतलब माइनस इन्फिनिटी से वन तक लिखा हुआ है, और या फिर पाँच से बड़ा तो पाँच से कहाँ तक बड़ा, इन्फिनिटी तक, उसको लिखने का तरीका है। यूनियन का मतलब सब कुछ लेना है, दोनों लेना है, दोनों दोनों यूनियन का मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। इस सिंबल को बोलते क्या हैं अपन, यूनियन बोलते हैं भैया, सब पता होगा आपको, ठीक है। नहीं पता है तो सेट थ्योरी पढ़ेंगे अपन, अभी बस देखते चलो कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स तुम्हें आने चाहिए। आगे चलो, एक दूसरा क्वेश्चन लिखो, लिखो दूसरा क्वेश्चन लिखो, बताओ आंसर क्या आ रहा है सेकेंड क्वेश्चन, और पेन चलाते रहना, धीरे धीरे अपने आप एक दो क्लास में सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है आप फर्स्ट क्लास ही ले रहे हो इसकी, तो अपन तो मॉडुलस का ही लास्ट क्लास है, तो इसमें वापस से बताइए आपको क्या बोला हुआ है, मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 9 प्लस 2, इसका मॉड 2 से क्या दिया गया है, बड़ा दिया गया है। बताइए फिर से सेम प्रॉपर्टी, कम से कम प्रॉपर्टी तो रिपीट कर लो, बताओ किसी का मॉड अगर 2 से बड़ा है तो प्लीज़ याद करना है, या तो अंदर वाला नंबर 2 से बड़ा होगा, जैसे 3, अगर अंदर वाला पूरा नंबर 3 हो जाता 3 का मॉडुलस 2 से बड़ा है, या पूरा नंबर माइनस 2 से छोटा हो जाता तो अंदर लिखते माइनस 3, माइनस 3 का भी मॉड कितना आता है, 3 ही आता है। मॉड पॉजिटिव फंक्शन है, पॉजिटिव मेरे जैसा है, हमेशा पॉजिटिव, अंदर माइनस 3 रखा तब भी इसका आंसर कितना होता है, 3, और अंदर 3 रखा तब भी इसका आंसर कितना आता है, 3। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो याद करना है अभी सेम प्रॉपर्टी, तो क्या क्या केसेस बना सकते हो, या तो मॉडुलस 3x माइनस 9 प्लस 2, या तो ये 2 से बड़ा होगा, और दूसरा आप केस बना सकते हो मॉड 3x माइनस 9 प्लस 2 ये छोटा होना चाहिए किससे, माइनस 2 से, और अपने आप को सेल्फ बिलीव लाओ कि मैं सही लिख रहा हूँ। बताओ मैंने लिखा अंदर वाला नंबर माइनस 2 से छोटा, माइनस 2 से छोटा नंबर क्या होगा, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, कुछ भी लिख के देखो, बताओ इसकी जगह मैं कुछ भी लिखता माइनस 5, तो माइनस 5 का मॉड कितना होता, 5। क्या 5 बड़ा है 2 से, यानी मैंने ये सही लिखा है। अच्छा 2 से बड़ा नंबर होता 10, 10 लिख लो, अंदर वाला नंबर 10 होता, क्या 10 बड़ा है 2 से, यानी मैंने दोनों कंडीशन सही लिखी हैं। तो इसमें कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता, सॉल्व कर लो। बताओ ये 2 इधर चला गया, तो मॉड 3x माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ से कितना आया, मॉड 3x माइनस 9 लेस देन इक्वल टू माइनस 4। ये फंडामेंटल ऑफ मैथ्स चल रहे हैं, मैथ्स नहीं पढ़ा रहे, कुछ कॉमन सेंस सबके पास होना चाहिए, इसलिए शुरुआत की है, 5-6 क्लासेस अपन ने पढ़ाई हैं,
फिर सोच के बताइए मेरे को, आराम से देख के बताइए यहाँ से आप क्या सोच सकते हो। बताओ ये मॉडुलस फंक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, दो डंडियों को, इसको मॉडुलस कहते हैं। ये मॉडुलस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और इधर लिखा हुआ है नेगेटिव नंबर। क्या पॉजिटिव नंबर कभी छोटा हो सकता है नेगेटिव नंबर से? नहीं हो सकता है। इसका मतलब यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इस केस से क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को अपन लिखते हैं फाई। फाई का मतलब x का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तरीके हैं, सीखते चलेंगे अपन कि फाई कभी आ जाए। ये एलिमेंट ऑफ बिलोंग्स टू मतलब x होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फाई का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस सिंबल का मतलब क्या है, x होगा, क्या होगा, फाई मतलब कुछ नहीं होगा। कल को कोई बोले x बिलोंग्स टू 1 to infinity, इसका मतलब x होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 to infinity तक होगा। ये बताया हुआ है इंटरवल, अगर स्क्वायर ब्रैकेट लग जाते हैं तो 1 भी इंक्लूडेड है, x 1 to infinity तक होगा। और ओपन ब्रैकेट का मतलब तुम्हें बताया था कि 1 to infinity तक होगा, लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा। तो लिखने का तरीका है और सीखते चलेंगे सब अपन, और बताया भी हुआ है पहले। तो यहाँ से तो कोई सॉल्यूशन आया नहीं। फिर बताइए, इधर ये लिखा है पॉजिटिव, मॉडुलस तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या मॉडुलस पॉजिटिव है, तो क्या पॉजिटिव 0 से बड़ा होगा? सर पॉजिटिव तो हमेशा 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये तो ऑलवेज ट्रू है सर। मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव हमेशा 0 से बड़ा होता है? बड़ा होता है। यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 50, 60, 70, कुछ भी लिखो, यहाँ से हमेशा ट्रू है। x क्या होगा, x का आंसर रियल नंबर, रियल नंबर जो नंबर लाइन पे बनते हैं उनको रियल नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है ना, इसीलिए ये जीरो नहीं कर देना। और ये जीरो कब हो सकता है, जब x मान लीजिए 3 होता तो क्या 3, 3 जा 9, 9 माइनस 9 जीरो हो जाता क्या? तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर है कि x belongs to real number माइनस 3 उसमें नहीं लेना है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। x कोई भी नंबर डालो इसमें, कोई भी नंबर डालो, ये हमेशा ट्रू मिलेगा आपको। जैसे नंबर डाल के देख लो, 1 डाला आपने इसमें नंबर 1, तो 1 डालोगे तो 3 माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस 6, माइनस 6 का मॉड कितना हो जाएगा, 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8, क्या 8 बड़ा है 2 से, बिल्कुल। केवल इसमें ना 3 मत डालना, क्योंकि देख लो 3 डालने पे क्या होगा, 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 0, तो अंदर केवल 2 बचेगा। क्या 2 ग्रेटर देन होता है 2 से? नहीं, वो तो बराबर होता है। अगर बराबर का साइन होता तो ये 3 भी आंसर का पार्ट हो जाता। तो ये इक्वेशन हमेशा होल्ड कर रही है, यही आंसर है। एक्स रियल नंबर हो सकता है, नंबर लाइन का कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आप देखते चलो, अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपन। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मॉडुलस का मतलब अंदर 8 है तो उसका आंसर 8 ही आएगा, लेकिन अंदर -8 है उसका आंसर आएगा -8 यानी +8। तो मॉडुलस नेगेटिव के आगे खुद एक नेगेटिव लगा देता है, तो हमेशा आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। और इसकी मैं बोल रहा हूँ ना, पूरी मैथ्स में बार बार ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए आपको ये सब बताया जा रहा है। आइए फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें अपन पिछले काफ़ी दिनों से क्या क्या पढ़ रहे हैं सबकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो बताइए, केस बनाना बताया हुआ है आपको, तो एक क्वेश्चन बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बताइए, लास्ट क्लास है मॉडुलस की, फिर अपन और टॉपिक्स पढ़ेंगे। इस ब्रैकेट से पूछिए कि भैया तू कहाँ 0 है, तो ये बोलेगा कहाँ 0 है, ये 1 पे। इससे पूछो भैया तू कहाँ 0 है, ये बोलेगा 5 पे। तो नंबर लाइन पे तुम्हें 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 1 और 5। तो तुम्हें 3 केसेस बनाने पड़ेंगे, 3 केसेस। एक केस क्या हो जाएगा, x लेस देन 1। एक केस क्या हो जाएगा, बिटवीन 1 and 5। एक केस क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा। आइए पेन चलाते चलिए, आंसर बताइए। सबसे पहले मैंने माना x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। अगर x 1 से छोटा है तो बताइए मॉडुलस को लिखोगे क्या आप?
बताइए, वन से छोटा कोई नंबर ले लो, वन से छोटा नंबर जीरो होता है। तो बताओ पहला वाला मॉडुलस जब आप x की जगह जीरो रखोगे तो क्या पहले वाले मॉडुलस का आंसर माइनस में आ रहा है? तो अगर माइनस में होता है तो मॉडुलस खुद एक माइनस लगाता है, यानी पहले वाले मॉडुलस को आप लिखोगे x माइनस वन के आगे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। कब आता है माइनस? जब अंदर वाला नंबर क्या होता है? नेगेटिव। मैंने एक केस लिया x लेस देन इक्वल टू वन, उससे छोटा मैंने कोई भी एक नंबर लिया जीरो, अगर जीरो पे ये नेगेटिव आ रहा है तो बाकी सारे नंबर पे भी नेगेटिव ही रहेगा, और क्योंकि अंदर वाला नंबर नेगेटिव है इसलिए बाहर खुद से एक माइनस लगाना ना भूलें। उसके बाद बताइए अगला ब्रैकेट, यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या लेनी है? वन से कोई छोटी कोई भी ले लो, कोई भी वैल्यू, जैसे मैं जीरो ले लेता तो जीरो में फिर से ये नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव है तो मॉडुलस हटेगा लेकिन खुद एक माइनस लगाएगा, तो आ जाएगा माइनस एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल्स टू एट। ये सिंपल इक्वेशन बन गई। देखिए ये इक्वेशन कोई सॉल्व नहीं कर सकता मॉडुलस, लेकिन अब ये वाली लीनियर इक्वेशन ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। क्या आंसर आ जाएगा इसका? ये माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स आ जाएगा और फाइव और सिक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एट आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस टू एक्स और फाइव वन सिक्स ग्रेटर देन एट, तो माइनस टू एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू आ जाएगी। माइनस टू एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन। वाह वाह, एक्स माइनस वन सर। हाँ यार, ये भी नहीं पता है, इनइक्वालिटी में पहले दिन पढ़ाया था, पहले दिन जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस को इधर उधर ले जाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा भैया, प्लस को इधर उधर ले जा सकते हो, माइनस को नहीं। ये सब छोटी छोटी बातें जो पूरी मैथ्स में, मैथ्स पढ़ाने के बीच में ये थोड़ी ना पढ़ाने लग जाऊंगा मैं एकदम से, ये आना ही चाहिए आपको। इस माइनस टू को इधर उधर ले जा रहे हो ना, माइनस को इधर उधर ले जाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स लेस देन माइनस वन, एक्स लेस देन माइनस वन। ऐसा होता है, ये लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे टू ग्रेटर देन वन लिखा हुआ है, अब माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो क्या माइनस टू बड़ा होता है माइनस वन से? नहीं, माइनस टू छोटा होता है ऐसे। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना इनइक्वालिटी को, तो साइन क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। सिंपल सा पॉइंट है, याद करना है। लेकिन ये बताइए, हमारा आंसर आना चाहिए था वन से छोटा, उसी के तो केस बनाया है हमने, लेकिन हमारा आंसर क्या आया है? आंसर आया है माइनस वन से छोटा। तो इन दोनों का, हमें दोनों का ही सम्मान करना पड़ेगा, दोनों का ही इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। हम वो केस पढ़ रहे थे जब x वन से छोटा होता है, लेकिन उसमें हमारा आंसर क्या आया है कि x माइनस वन से छोटा, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? कॉमन लेना है। देखिए ये और ये, इन दोनों का अपने को क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, कोई पूछे इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, तो समान भाषा में, देसी भाषा में उसको क्या कहते हैं? कॉमन लेना। कॉमन, कॉमन नंबर लाइन पे बना लेना। एक क्या बोल रहा है? x वन से छोटा होना चाहिए, ये रहा वन, ये रहा वन से छोटा। एक बोल रहा है माइनस वन से छोटा, तो ये आ गया माइनस वन, ये आ गया माइनस वन से छोटा। कौन सा रीजन कॉमन है उसको हम मैथ्स वाले क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। तो कौन सा रीजन कॉमन है माइनस वन से छोटा? तो इस पहले का सॉल्यूशन ये आ जाएगा, पहले केस का सॉल्यूशन क्या आ गया? एक्स माइनस वन से छोटा। केस और भी थे, फटाफट लिखते चलेंगे और बताते चलेंगे। याद होना चाहिए ये सब छोटे छोटे से पॉइंट हैं, वो सब आप देख लेना और बता देना। बताइए इसमें सबसे पहले अपन ने एक्स वन से छोटा लिया था, अब अपन x ले लेते हैं कहां से कहां तक? 1 से 5 के बीच में। बताइए फिर से बोलते चलेंगे, आ जाना चाहिए समझ में। बताओ 1 से 5 के बीच में कोई नंबर दिख रहा है क्या आपको? 1 से 5 के नंबर में 2 एक नंबर ले लो। बताओ 1 से 5 के बीच में अगर आप नंबर 2 लेते हो तो पहला मॉड हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव तो मॉडुलस कुछ नहीं करेगा, x माइनस वन ही लिखा जा सकता है। जैसे मॉडुलस 2 का कितना होता है? 2 ही होता है। मॉडुलस माइनस 2 का कितना होता है? तो मॉडुलस खुद एक माइनस लगाता है। तो हमने अब केस लिया 1 से 5 का, 1 से 5 के बीच में नंबर 2 रखोगे तो ये दूसरा वाला मॉडुलस 2 माइनस 5 नेगेटिव है, नेगेटिव है तो जब मॉडुलस हटाओगे तो खुद एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ x माइनस 5।
और ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी आ जानी चाहिए, 8। यहाँ से x माइनस x कैंसिल हो गया और आंसर मिला 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ऐसा कब हो सकता है? इसका मतलब इस रीजन के बीच में x का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब 1 से 5 के बीच में x इसमें आप नहीं रख सकते हो। एक ही चीज़ सिखा रहे हैं भैया इतने दिनों तक कि मॉडुलस x दिखे, एक ही चीज़ सिखा रहे हैं पिछले 5 दिनों से, मॉड x दिखा और तुम्हें किसी प्रकार से पता लग गया कि अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है तो इसको x लिख दो, और मॉड x दिखा और तुम्हें किसी प्रकार से पता लग गया कि अंदर वाला नंबर नेगेटिव है तो इसको माइनस x लिख दो। और कुछ नहीं सिखा रहे, बस यही सिखा रहे हैं। अब वो एक बार सीख लो कि 10 क्लास बाद सीखो आपके ऊपर है ना। आखिरी केस, और पता कैसे लगता है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में नंबर आता है 0 0 0 0। इसीलिए सबसे पहले हमने पॉइंट ढूंढा कि ये कब 0 होगा, 1 पे, यानी 1 के आजू बाजू खतरा है इसका प्लस माइनस होने का। इसका खतरा प्लस माइनस होने का कहाँ है? 5 के आजू बाजू। इसीलिए हमारे पास 3 केस बने, 1 से छोटा, 1 से 5 के बीच में। आखिरी केस, x बड़ा मान लिया मैंने किससे, 5 से। बताएगा देश का भविष्य, खुशी खुशी बताएगा। बताओ x अगर 5 से बड़ा है, 10 मान लो, 10 में पहला मॉडुलस 10 माइनस 1 9 पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब वो x माइनस 1 ही रहेगा। दूसरा मॉडुलस 10 माइनस 5 वो भी पॉजिटिव, तो वो भी x माइनस 5 रहेगा, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बोला गया है, 8। ठीक है, तो यहां से 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 14 आ जाएगा, 6 है ना, 6 और 8 उधर चला, 14 हो जाएगा। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आ जाएगी। बताओ हम सॉल्व कर रहे थे इस राजा के सामने, राजा था भैया 5 से बड़ा होना चाहिए आंसर, क्या 7 खुद 5 से बड़ा है? इसका मतलब यही आंसर। इन दोनों का वापस से हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। वापस से इन दोनों का क्या लेना है, कॉमन। तो एक राजा बोलता है कि भैया 5 से बड़ा होना चाहिए आंसर, अगले ने बोला 7 से बड़ा होना चाहिए आंसर, तो दोनों का दिल रखना है तुम्हें। दोनों का दिल तभी रख सकते हो जब तुम बोलो आंसर 7 से बड़ा होगा। 7 से बड़ा होगा तो 5 से बड़ा तो ऑटोमेटिकली होगा ना, तो कॉमन का मतलब दोनों का दिल रखना है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, x 7 से बड़ा। पहला आंसर कितना आया था, x माइनस 1 से छोटा। तो अब फाइनल आंसर आप क्या लिख सकते थे कि x बिलोंग्स टू माइनस 1 से छोटा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 इक्वल टू, तो लगा ही देना, ये तो आंसर है ही। इसके साथ साथ यूनियन कहाँ, 7 से इन्फिनिटी, 7 से इन्फिनिटी, तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास। दो सिंबल होते हैं, एक होता है, वैसे सेट्स में बताऊंगा, एक यूनियन होता है एक इंटरसेक्शन होता है। यूनियन का मतलब सबको खुश नहीं करना है, सारा ले लो, सब ले लो, यूनियन का मतलब सब आ जाना चाहिए, सब सब आ गया यहाँ पे, सबको मतलब x लेस देन माइनस 1 भी आ गया और दूसरा भी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना है, कॉमन, जिससे दोनों राजी हो जाएं, जिससे दोनों खुश हो जाएं, तो इंटरसेक्शन कहते हैं अपन, कई बार बताया हुआ है। आगे चलते हैं अपन, यही प्यारी प्यारी बातें लिख लिया था ना सब। अगले सवाल में बढ़ो आप और आंसर बताइए। अगला सवाल आ गया है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे। अगला सवाल, मॉड 3x माइनस 2 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 11, फटाफट आंसर बताएंगे इसका। सेम क्वेश्चन है, सेम है ना, क्वेश्चंस करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ये पूछो, मॉड आते ही खतरा ये है, बस मॉड का मतलब इतना समझना है कब ये पॉजिटिव कब ये नेगेटिव। तो इसके अंदर वाले ब्रैकेट से पूछो, 3x माइनस 2 से पूछो तू कब 0 होगा, 3x माइनस 2 कब 0 होगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। तो 2/3 है तो दो केसेस बना लो, मतलब नंबर लाइन पे एक पॉइंट है 2/3, तो या तो x 2/3 से छोटा होगा या तो x 2/3 से बड़ा होगा, आंसर आ जाएगा। लिखते चलो, मान लिया x सबसे पहले छोटा है 2/3 से। अब जो आंसर आएगा ये प्रभु की इच्छा ही है, अभी आप सॉल्व कर रहे हो किसके लिए,
x का जो भी आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 2 बाय 3 से छोटा। बताओ जब x 2 बाय 3 से छोटा होगा तो 2 बाय 3 से छोटा कोई नंबर ले लो, क्या 0 2 बाय 3 से छोटा होता है? 0 डाल दो इसमें, इसमें अगर 0 डालते तो 3 इंटू 0 0, 0 माइनस 2 मतलब नेगेटिव, क्या अंदर वाला नंबर नेगेटिव है? तो जब मॉडुलस हटेगा खुद एक माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस 3x माइनस 2, क्योंकि मॉडुलस को पॉजिटिव नंबर चाहिए तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएगा, खुद एक और नेगेटिव लगा देगा। और प्लस एक्स ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 11, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 होना चाहिए। सॉल्व तो कर ही लोगे, कितना आ रहा है ये, माइनस 3x प्लस एक्स मतलब माइनस 2x प्लस 2, यानी ये 9 आ जाएगा, यानी कि एक्स लेस देन इक्वल्स टू वो आ जाएगा माइनस 9/2, x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 9/2। अरे निकाल लोगे ये सब क्या क्या किया है सर यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये माइनस 3x था तो माइनस 3x और प्लस x कितना हो गया, माइनस 2x, और ये माइनस माइनस 2 कितना हुआ, प्लस 2, 2 इधर चला गया तो 11 माइनस 2 कितना हो गया, 9 हो गया। और बोला है ना जब भी माइनस से छेड़छाड़ करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा, तो माइनस 2 को दूसरी तरफ ले गए थे तो x बड़ा था, अब x क्या हो जाएगा, लेस देन माइनस 9/2। आंसर में दोनों का दिल रखना है आपन को, दोनों का दिल ये तो होना ही चाहिए था और ये भी होना चाहिए, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, दोनों का लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन, ऐसे साइन जब भी बनाए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों का क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। ये बोलता है 2 बाय 3 से छोटा, ये बोलता है माइनस 9/2 से छोटा, तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस 9/2 से छोटा। तो ये अभी आंसर है, थोड़ा याद करेंगे। एक और केस बाकी रह गया, अभी तो हमने क्या माना था, x 2 बाय 3 से छोटा है, अब मान लो x बड़ा है 2 बाय 3 से, x 2 बाय 3 से बड़ा, 2 बाय 3 से बड़ा नंबर कोई भी ले लो, 2 बाय 3 से बड़ा नंबर 1 2 3 4 5 10 कोई भी ले लो, 10 ले लो, 10 लोगे तो 3 × 10 कितना होगा, 30, 30 माइनस 2 कितना होगा, 28, मतलब अंदर वाला नंबर पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो मॉडुलस कुछ नहीं करेगा, बोले तुम पहले ही पॉजिटिव हो, कुछ नहीं करना अपने को। प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11, 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13, x बड़ा होना चाहिए 13/4 से, 13/4 कितना होता है, 3 से बड़ा होगा ये नंबर, ये कितना होगा, 1 से भी छोटा होगा। दोनों के दिल की बात समझनी पड़ेगी, दोनों को खुश करना पड़ेगा, दोनों का फिर से क्या लेना है, इंटरसेक्शन या कॉमन। और नहीं लेना होता हो क्वेश्चन ने बोला हुआ है 2 बाय 3 से बड़ा, ये बोल रहा है 13/4 से बड़ा, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 13/4 से बड़ा। लिया है केस है? अबे ये अलग केस है, ये अलग केस है, ऐसे सारे केस मिला दोगे तो दुनिया के सारे ही आंसर आ जाएंगे फिर तो। इधर सुनने का क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, आराम से सुनने का, तसल्ली से। ऐसे तो तुम सारे केस मिला दो फिर दुनिया के सारे ही आंसर आ जाएंगे। सबसे पहले अपन इसके पास गए, इधर सुनने का आराम तसल्ली से, मेरे को रोक देने का सन्नी देवल स्टाइल में, फिर क्या हो रहा है, दुनिया तो गोल हो गई। देखो मॉडुलस सबको पॉजिटिव रखना चाहता है, ये समझ में आता है, ये समझ में आना चाहिए मॉडुलस। अब तो खतरा कहाँ है, जहाँ पे ये जीरो होगा, जीरो से पहले हो सकता है ये नेगेटिव हो, जीरो से बाद में हो सकता है ये पॉजिटिव हो, तो ये जीरो कहाँ होता है, 3x माइनस 2 कहाँ होता है, जीरो 2 बाय 3 पे, तो 2 बाय 3 एक पॉइंट आ गया। इस 2 बाय 3 के अल्ली पल्ली तरफ मतलब आजू बाजू या तो ये प्लस हो रहा होगा या तो ये माइनस, उसमें पहले मैंने माना एज्यूम किया, मैंने माना कि x 2 बाय 3 से छोटा है, अब जो भी आंसर आएगा वो इसी में आना चाहिए, समझ रहे हो क्या, तो ये मैंने माना है अपने राजा ये है, अब इसकी बात मानेंगे अपन, x 2 बाय 3 से छोटा। लेकिन जब x 2 बाय 3 से छोटा है तो मैंने नंबर लिखा 0, 2 बाय 3 से छोटा नंबर माइनस 1 भी होता है, माइनस 2 भी होता है, माइनस 3 भी होता है, कुछ भी ले लो, माइनस 3 ले लो, माइनस 3 यहाँ पे लिखते हैं तो माइनस 9 माइनस 2 मतलब ये नेगेटिव हो जाता है अंदर वाला नंबर, अंदर वाला नेगेटिव है तो मॉडुलस बोलता है नहीं मैं तो केवल पॉजिटिव ही बाहर जाने दूंगा, और पॉजिटिव बाहर जाने दूंगा तो खुद से एक माइनस लगा दूंगा ताकि माइनस माइनस क्या आ जाए, प्लस। तो ये 3x माइनस 2 के आगे देखो मैंने क्या लगाया, माइनस, और ये प्लस एक्स था ग्रेटर देन 11 था, ये मल्टीप्लाई किया ये माइनस 2x और इसको इधर ले जाओगे 9 आ जाएगा। फिर एक और चीज़, क्योंकि ये नेगेटिव था इसलिए साइन इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब
इसी राजा, यही राजा है ठीक है, ये राजा की जनता आई। अब ये राजा की जो जनता है और राजा जो है ना, इन दोनों का अपने को कॉमन लेना है, कॉमन दोनों का दिल नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि ये तुम सॉल्व कब कर रहे हो, जब ये कंडीशन वैलिड है। तो x और नंबर लाइन पे बना लो, आपको कोई गलत फहमी हो, हम सॉल्व कर रहे थे कि 2/3 से छोटा आंसर आना चाहिए, तो आंसर वही लिखेंगे जो 2/3 से क्या आएगा, छोटा। लेकिन हमारा आंसर क्या आया कि आंसर आएगा -9/2 से छोटा, आंसर है -9/2 से छोटा, माइनस तो इसके इधर ही होगा ना, तो -9/2 से छोटा इधर। अब दोनों की बात रखनी है तो फिर क्या आंसर बोलोगे, क्या कॉमन है इसमें, -9/2 से छोटा आंसर है। अरे कंफ्यूज मत हो, ये तो मतलब आना ही चाहिए। अब ये वाला केस खत्म, अब इसकी कहानी खत्म। अब ये मत सोचो अब इस राजा से बाहर इसकी नहीं चलेगी, अब नए राजा के पास गए अपन। पहले अपन ने बोला था कि 2/3 से छोटा, अब अपना दूसरा राजा है, अब अपना राजा है 2/3 से बड़ा, अब इसकी बात मानेंगे अपन। अब उसकी बात खत्म, कहानी खत्म उसकी। अब अपन इसके भैया, अब तुम पाकिस्तान में हो, ये तो पहले इंडिया, वहाँ पे वहाँ का कानून, यहाँ पे अब दूसरा कानून। अब कानून क्या है, 2/3 से बड़ा आंसर होना चाहिए, अब ये कानून है। तो अब इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया, 13/4 से बड़ा। तो मैंने फिर से कानून बनाया, पहले आंसर तो 2/3 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन आंसर क्या आ गया कि 13/4 से बड़ा हो गया। तो कानून के अंदर जो आंसर है वो अपना आंसर है, कानून क्या था 2/3 से बड़ा, लेकिन अपना आंसर क्या है 13/4 से बड़ा, सारे का सारा आंसर है, तो यही आंसर है अपना। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, इसलिए दोनों को एक साथ लिख देंगे, सबका साथ सबका विकास, उसको बोलते हैं यूनियन, समझ रहे हो गए, यूनियन। तो सबका साथ मतलब 9/2 से छोटा, तो x इज एलिमेंट ऑफ -∞ से -9/2, यूनियन 13/4 से इन्फिनिटी। स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगा लेना, 9/2 पे भी स्क्वायर ब्रैकेट, 13/4 पे भी स्क्वायर ब्रैकेट। ये मैथ में कई बार करना पड़ेगा, तुम जो कंडीशन मान रहे हो उसी के अंदर आंसर आएगा, है ना, क्योंकि यही बाउंड्री थी अपनी, बाउंड्री के अंदर ये कानून है, इस कानून के अंदर जो। और एक केस खत्म तो उसकी कहानी खत्म, फिर तो नया केस चालू, फिर इसके अंदर देखने चलेंगे अपन। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ये आंसर भी बिल्कुल सही है, इसलिए दोनों को एक साथ ऐसे लिख सकते थे अपन, वो आंसर आ जाएगा, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, ठीक है। और आगे चलते हैं अपन इसी में, अगले प्रश्न में चलो, अगले प्रश्न में चलिए बताते चलिए, देश का भविष्य लिखेगा, कुछ भी डाउट तो पूछ लेने का, मन में कुछ भी आ जाए कि सर ऐसा हो गया, तुरंत पूछ लेने का, डाउट रहना ही नहीं चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, लिख लेने का। अब बताओ ये मॉडुलस जब भी दिखे तो मॉडुलस से पूछो भैया तू कहाँ जीरो होगा, तो ये तो जीरो पे ही जीरो हो रहा होगा, तो मेरे को एक पॉइंट मिल गया जीरो, तो दो केस बन गए भैया, जीरो से छोटा, जीरो से बड़ा। आओ फटाफट मैं लिखना चालू करता हूँ, तुम भी लिखते चलो। पहले मान लिया मैंने कि x लेस देन इक्वल टू जीरो है, अब ये राजा है अपना, नहीं समझ में आया तो राजा मान लो, इसे क्या घटिया तरीका है, लेकिन ऐसे ही समझ में आएगा अगर तुम्हें आता नहीं है, ये राजा है मतलब इसी की बात माननी पड़ेगी। अब जो आंसर आएगा वो जीरो से छोटा होना चाहिए। मान लो सॉल्व करते करते आंसर आ गया x ग्रेटर देन 1, तो मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप जिस राजा के अंदर हो ना वो बोलता है आंसर जीरो से छोटा चाहिए, तुम निकाल के बैठे हो 3 से बड़ा आंसर, तो मतलब भैया कोई आंसर नहीं है, समझ रहे हो गया। तो माना अपन ने, सबसे पहले अपन ने माना x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा मान लो -1 है, तो बताओ अंदर वाला नंबर माइनस हो गया क्या, अगर माइनस हो गया तो जब मॉड हटेगा खुद एक क्या लगा देगा, माइनस। तो x स्क्वायर -7 -x +10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। माइनस एक्स क्यों माना सर, क्योंकि मोड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव था, तो कितना आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स क्या होते थे, x प्लस 2 x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर ऐसे कैसे लिख देते हो आप फैक्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे वैसे अपन, और 10वीं से पहले भी आती थी ये, तो यार ये बीच में जो नंबर लिखा है ना इसको, ये एडिशन होता है, और ये जो नंबर लिखा है ये मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ऐसा नंबर सोचो जिसका एडिशन 7 हो 5 और 2, जिसका मल्टीप्लिकेशन 10 हो 5 और 2, इसलिए आंसर लिख दिया x प्लस 2 x प्लस 5। और फिर वेवी कर्व मेथड लगाओ, वेवी कर्व मेथड क्या था, इससे पूछो तू कब जीरो है, -2 पे,
इससे पूछो टू कब जीरो है, माइनस पांच पे। माइनस दो से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, माइनस दो से बड़ा नंबर जीरो ले लिया, जीरो पे ये भी प्लस है, जीरो पे ये भी प्लस है, मतलब माइनस टू से बड़े नंबर पे साइन हमेशा क्या आएगा, प्लस। और प्लस है तो अल्टरनेट माइनस प्लस लगा दो, ये माइनस ही आएगा, ये प्लस ही आएगा। लेकिन हमें कौन सा आंसर चाहिए था, जब ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, यानी पॉजिटिव आंसर चाहिए था। तो हमारा आंसर या तो माइनस दो से बड़ा होता या माइनस पांच से छोटा होता। लेकिन राजा को मत भूलना भैया, राजा को यहीं बना लो जब नंबर लाइन बनी गई है तो, वरना मनी मन करते। राजा बोलता है कि आंसर जीरो से छोटा ही होना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं जीरो, जीरो से छोटा ही आंसर चाहिए अपने को। तो आंसर पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव के लिए तो ये भी आ रहा था और ये भी आ रहा था, जीरो कहाँ पे आएगा, जीरो यहाँ पे आएगा। तो जीरो से छोटा ये राजा था, राजा ने बोला आंसर जीरो से छोटा आना चाहिए। अब वो देख लो ये ग्रीन और येल्लो कहाँ कहाँ कॉमन है, एक तो जीरो से माइनस टू में है कॉमन और एक माइनस पांच से पीछे। तो फिर एक्स बिलोंग्स टू जीरो से माइनस दो और यूनियन माइनस पांच से माइनस इन्फिनिटी। केस मान लो, केस का मतलब राजा, केस का मतलब बाहुबली, वो मानना ही पड़ेगा तुम्हें, इसके बाहर कुछ भी, क्योंकि जीरो से बड़ा भी ये तो पॉजिटिव हो रहा था। ये पहला केस हुआ। ऐसे ही आप बताइए कि अपन यहाँ पे मान लेते कि x ग्रेटर देन जीरो है। सबसे पहले हमने पॉइंट जीरो लिया था, सबसे पहला केस क्या था, x जीरो से छोटा है। अब हमने राजा बदल दिया, पहले वाला राजा पसंद नहीं आया हमने, अब राजा माना हमने कि x ग्रेटर देन जीरो है। समझ रहे हो, ये राजा वाजा बोलना नहीं किसी को, ये तो मन के जज्बात हैं, तुम नहीं समझ रहे हो इसलिए समझा रहा हूँ मैं कि भैया इसका कानून तो मानना ही पड़ेगा। सबसे पहले डोमेन कहते हैं इसे अपन। तो हम अब सॉल्व कर रहे हैं x ग्रेटर देन जीरो। जब x ग्रेटर देन जीरो होगा तो अंदर वाला नंबर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया तो मोड हटेगा, कुछ नहीं करेगा, वापस से क्वाड्रेटिक बनी, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स x माइनस पांच एक्स माइनस दो हो जाएंगे, क्योंकि माइनस सात को क्या लिख सकते हो, माइनस फाइव और माइनस टू, उसका एडिशन कितना है, माइनस सेवन, और माइनस फाइव इंटू माइनस टू कितना होता है, टेन। और पढ़ेंगे ये, मान लो फर्स्ट सेकंड टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, उसमें लेंगे अपन बारह पंद्रह लेक्चर, पता नहीं क्या क्या पढ़ाएंगे तुम्हें क्वाड्रेटिक में, तो ये तो शायद पढ़ाएं भी नहीं इतना तो, है ना, ये थोड़ी ना, ये तो दसवीं से पहले आ जाता है। तो इसमें फिर से नंबर लाइन बना लो, यहाँ पे एक नंबर आएगा पाँच, एक नंबर आएगा दो। इससे पूछो भाई कि तू कब जीरो हो रहा है, पाँच पे, तू कब जीरो हो रहा है, दो पे। कोई नंबर ले लो जो पाँच से बड़ा हो, दस ले लो, तो दस पे ये भी पॉजिटिव है, दस माइनस पाँच, दस पे ये भी पॉजिटिव है, तो इधर प्लस लगा दो, माइनस लगा दो, प्लस माइनस प्लस। लेकिन राजा को मत भूल जाना यार, राजा बोलता है आंसर जीरो से बड़ा आना चाहिए, ये रहा जीरो, आंसर आना चाहिए जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा भी आना चाहिए और पॉजिटिव तो आना ही चाहिए। तो एक ये दिख रहा है यानी जीरो से दो, और एक ये दिख रहा है फाइव से इन्फिनिटी। तो x बिलोंग्स टू, x होगा कहाँ से कहाँ तक, जीरो से दो, और इसके साथ आप ले सकते हैं पांच से इन्फिनिटी, बस यही आंसर आ जाएगा। इसको एक साथ करके लिख सकते थे आप, है ना, तो टू से माइनस टू आ जाता है, ये जीरो से माइनस टू है, ये जीरो से टू है, तो इन दोनों ब्रैकेट को एक साथ क्या लिख सकते थे, टू से माइनस टू, और ये क्या बोलता, पांच से इन्फिनिटी और माइनस पांच से इन्फिनिटी। जीरो के आगे ओपन ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, क्लोज ब्रैकेट ही आएगा, सब इक्वलिटी दिख रही है ना यहाँ पे, इक्वलिटी इक्वल, वो इधर तो वैसे ओपन ब्रैकेट लगा सकते थे लेकिन यहाँ पे इक्वल टू है जीरो पे, समझ रहे हो गया, तो वहां पे जीरो ऑलरेडी इंक्लूडेड है पार्ट में, इसका आंसर लिखा है ना यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हाँ, इस पार्ट के लिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा सकते थे क्योंकि ये वाले राजा के लिए जीरो था नहीं, लेकिन टोटल आंसर लिखोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, इक्वलिटी है, इक्वलिटी दिख रही है तो सारे क्लोज ब्रैकेट ही आएंगे, समझ रहे हो गया, तो लास्ट आंसर में तो सारे स्क्वायर ब्रैकेट ही आएंगे, इसके लिए ओपन ब्रैकेट लगा सकते थे, बट जीरो इंक्लूडेड है आंसर में, पहले इंक्लूडेड था तो आंसर में इंक्लूडेड रहेगा। आगे चलते हैं इसी के आगे सवालों में, देखते चलो, मैथ्स केवल प्रैक्टिस से ही आ सकती है, और जो जो पढ़ा हुआ है ना उसको आप देखते चलो, लिखेंगे अगले दो चार, अच्छा यहाँ से तुम्हें कुछ ज्ञान मिलने वाला है,
ओहो ज्ञान मिलने वाला यार, ज्ञान ज्ञान। तो आप ये लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो। तो देखो हमने ना केस वेज बनाने सीख लिए हैं, लेकिन मैथ्स में बहुत बार होगा कि भैया उसके ज़्यादा नंबर आएंगे जो अपने दिमाग से चीज़ें सोच पाए। एक तरीका तो इन सबको करने का यही है कि तुम केस बनाओ, इससे पूछो भैया तू कब जीरो होगा, ये बोलेगा दो पे, तो दो केस बना लो, दो से छोटा दो से बड़ा और सॉल्व करते हुए चलो। तो लेकिन केस बनाना कभी कभी मुश्किल पड़ जाएगा, यहाँ पे कुछ और सोचते हैं। पहला तरीका तो है ही, बताओ ऊपर वाले नंबर को देखो, घूरो अपनी गंदी नज़रों से घूरो इसे, बताओ ऊपर वाले नंबर को घूर के क्या समझ में आ रहा है आपको। ये सब इंट्यूटिव थॉट्स, इमेजिनेटिव थॉट्स खुद से लाने पड़ेंगे। बताओ ऊपर वाले नंबर के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? सर नील बटा सन्नाटा कहना है हमारा। तो देखो क्या ऊपर वाला नंबर हमेशा पॉजिटिव है? एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, मोड हमेशा पॉजिटिव होता है। बताओ न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव है और हमें आंसर चाहिए नेगेटिव, लेस देन जीरो नेगेटिव चाहिए। ये तभी हो सकता है सर जब डिनोमिनेटर वो नेगेटिव आए, यानी x माइनस फोर शुड बी लेस देन जीरो। यही इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो गया। अगर आप केस बनाते तो बहुत लंबा चला जाता, तो आपको चीजें सोचनी भी पड़ेंगी, समझ रहे हो गया। और आप केस बनाएंगे तो दो केस बनते, दो अलग अलग आंसर आते। एक केस में आंसर आता टू से फोर, एक केस में आंसर आता माइनस इन्फिनिटी से टू, फिर दोनों को जोड़ते एक में आंसर आता माइनस इन्फिनिटी से टू, एक में आंसर आता है ना टू से इन्फिनिटी, टू से फोर। इनको अगर आप जोड़ते तो जोड़ के माइनस इन्फिनिटी से फोर हो जाता, वो यही आंसर दिखता एक्स लेस देन फोर। दो अलग अलग केस बनाओगे दो अलग अलग सॉल्यूशन आएंगे और लंबा भी जाएगा आंसर, समझ रहे हो गया। तो आप सोचना पड़ेगा आपको चीज़ों को पूरे मैथ्स के दौरान। हमें लेस देन जीरो चाहिए, ऊपर वाला नंबर क्या था? पॉजिटिव था, तो नीचे वाले नंबर को नेगेटिव कर दिया हमने, ताकि पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव ओवरऑल नंबर नेगेटिव, तो लेस देन जीरो हो जाएगा। तो बस केवल लिख दिया एक्स माइनस फोर लेस देन जीरो, यहाँ से आंसर आ गया एक्स लेस देन फोर। मतलब एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा? है ना माइनस इन्फिनिटी से फोर तक। फोर के बराबर हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर फोर डाल दोगे नीचे तो नीचे जीरो हो जाएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, इन्फिनिटी डिफाइन नहीं, तो वो सब नहीं करना है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स आप देखते चलना, सुनते चलना, आगे चलते हैं, इसी के आगे चलते हैं। और फिर से एक बार बचपन के बादाम की कसम, लिखो भैया ये आप लिख दो, वन माइनस थ्री अपॉन मॉड एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखो मॉडुलस सॉल्व नहीं होता है, मॉडुलस जब तक मॉडुलस हटेगा नहीं ना तब तक सॉल्व नहीं होगा। तो किसी को कुछ नहीं आता हो तो सर एक तरीका तो केस बनाने वाला होता है। केस बनाने वाला मतलब मॉड से पूछो कि राजा जी आप कब जीरो हो, तो ये बोलेगा माइनस वन पे। मॉडुलस कब जीरो हो रहा है? माइनस वन पे। तो दो केस बन जाएंगे, माइनस वन से छोटा या माइनस वन से बड़ा। एक तो वो तरीका है ही केस बनाने वाला। दूसरा अपन और कुछ सोचने का प्रयास करते हैं। चलिए एलसीएम लीजिए इसका, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? एक्स प्लस वन का मॉड और ऊपर कितना? मॉड एक्स प्लस वन माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मॉड एक्स प्लस वन माइनस थ्री और नीचे मॉड एक्स प्लस वन, एलसीएम लिया है अपन ने। तो या तो तुम केस बनाते या वापस से बचपन के बादाम की कसम, बताओ मॉडुलस तो सुना है हमेशा पॉजिटिव होता है सर, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या ऊपर वाले नंबर को भी हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा? तभी तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो आएगा। अगर ऊपर वाला नंबर नेगेटिव हो जाता तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाता सर, तो नेगेटिव नंबर थोड़ा ना जीरो से बड़ा होता। तो फिर से बचपन के बादामों ने असर किया और हमें पता लगा कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, समझ रहे हो गया। दूसरी तरीके से आप ऐसे बोल सकते थे, देखिए जब भी पॉजिटिव चीजें होती है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, नेगेटिव में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वलिटी का साइन अपोजिट करना पड़ेगा। क्या ये मॉड एक्स प्लस वन हमेशा पॉजिटिव था? तो इस एक्स प्लस वन को तुम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, पॉजिटिव तो जीरो हो जाता, तो यही कंडीशन आ जाती। बस सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है, समझ रहे हो गया। तो ये पॉजिटिव आ गया, अब तो ऐसे सवाल किए हैं इसका मतलब क्या हो गया? मॉड एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री आना चाहिए। तो अब सबसे पहले सवाल यही तो कराए थे कि मॉड अगर थ्री से बड़ा है इसका मतलब या तो ये नंबर थ्री से बड़ा होगा या तो ये नंबर
माइनस थ्री से छोटा होगा। सबसे पहले सवाल, एक्स की वैल्यू या तो टू से बड़ी होगी या एक्स की वैल्यू माइनस फोर से छोटी होगी। तो टू से बड़ी, माइनस फोर से छोटी, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो क्वेश्चंस में जो भी पॉइंट बनते हैं ना, देखो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, और मॉडुलस फंक्शन क्योंकि पूरी मैथ्स में बार बार आएगा इसलिए छोटी छोटी चीजें आपको बताई जा रही हैं। तो अभी देखते चल देंगे, अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं, फटाफट आप देखते चलो, आंसर आ जाएगा ना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, आप एक सवाल पे और चलो। चलिए बताइए, इसमें सवाल रिपीट नहीं करेंगे, आप लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए एक बार। मॉड दिया हुआ है आपको, मॉड x माइनस थ्री अपॉन मॉड x माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। मेरे को इनइक्वालिटी के कुछ पॉइंट्स याद करवाने हैं। क्या आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, मॉड a बाय मॉड b, उसको मॉड a अपॉन मॉड b लिखा जा सकता है, बताई थी। इसको लिखिए, मॉड x माइनस थ्री अपॉन मॉड x माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। फिर मेरे को बताइए, क्या नीचे वाला नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मॉड x माइनस थ्री को बड़ा करना पड़ेगा मॉड x माइनस फाइव से। जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें प्लीज एक चीज ध्यान दें कि ये कहीं जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे जीरो नहीं आ सकता। तो प्लीज याद रखें कि x की वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइव के बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर x की वैल्यू फाइव आ गई तो डिनोमिनेटर जीरो आ जाएगा, तो ओवरऑल नंबर क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, वो उसकी डोमेन में नहीं है। बताइए मॉड को कैसे हटाएंगे आप, मॉड को, क्या ये पॉजिटिव है, मॉड पॉजिटिव होता है, क्या ये भी पॉजिटिव है। अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो भगवान के लिए स्क्वायर कर दो, ये सब हमने सीखा हुआ है, वही बार बार बता रहे हैं आपको, स्क्वायर है। अगर एक तरफ माइनस हो ऐसे मत कर देना स्क्वायर कि माइनस टू बड़ा है माइनस थ्री से, अब इसका स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो मिलेगा फोर ग्रेटर देन नाइन, जो कि वाहियात बात है, समझ रहे हो गया। स्क्वायर तभी कर सकते हैं अपन जब दोनों तरफ क्या होगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्क्वायर करोगे। तो एक और प्रॉपर्टी थी, चाहे मॉड एक्स का स्क्वायर लिखो चाहे एक्स स्क्वायर लिखो, बात एक ही है, पॉजिटिव ही नंबर है दोनों। स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस पच्चीस माइनस दस एक्स। एक्स स्क्वायर को चाहता है ले जाने तो दोनों को, माइनस दस एक्स इधर आएगा, टेन एक्स माइनस सिक्स एक्स, फोर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू शायद सोलह, पच्चीस माइनस नौ सोलह। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, कोई डाउट तो बोलो। इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखना, x 4 से लेके इन्फिनिटी तक आएगा लेकिन उसमें 5 नहीं लिख सकते हैं, ये तरीके हैं सब। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब x की वैल्यू 4 हो सकती है, 4 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, 4 से इन्फिनिटी के बीच में तो सर 5 भी आता है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 इज नॉट अलाउड, डिनोमिनेटर में 0 तो अनडिफाइंड, इसलिए वो नॉट अलाउड है। तो समझना पड़ेगा, है ना, ये आंसर आ जाएगा। इसी में सुनते चलो, देखो सुनते चलो, इसमें आप 3x माइनस 4, ठीक है वापस से यही करना है, इसमें ये क्वेश्चन लिख लो घर पे कर लेना, सेम ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम क्वेश्चन है बट क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है ना। 3x अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करोगे मॉडुलस हटेगा आंसर आ जाएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना और अगले सवाल में आ जाओ। अगले सवाल में मॉड एक्स क्यूब माइनस वन लिख लो, अगला सवाल लिखो, मॉड एक्स क्यूब माइनस वन ग्रेटर देन वन माइनस एक्स। इस क्वेश्चन को भी आप घर पर ही करना, करने का सिंपल तरीका है एकदम, केसेस बनाने पड़ेंगे वापस से, और केस तुम किसके लिए बनाते हो, इसके लिए कि इसके लिए, किसके लिए बनाते हो आप, उसके लिए केस बनाना जिसके लिए आसानी से चीजें आ जाए। देखिए आप ऐसे मानना, मैं एक बार मान लेता हूं वन माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो है, और एक बार मान लेता हूं वन माइनस एक्स लेस देन जीरो है, केस तो तुम इसके लिए भी बना सकते थे, वो आपके ऊपर है कि आप केस इसको देख के बनाते हो कि इसके देख के बनाते हो।
मैंने इसको देख के क्यों बनाया वो अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे को एक चीज दिख रही थी। बताइए ये 1 माइनस एक्स जब नेगेटिव होगा, अगर ये 1 माइनस एक्स नेगेटिव है तो मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना, क्या पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा? मतलब ये तो सभी सॉल्यूशन हो गए, यानी एक्स ग्रेटर देन 1 ये तो सॉल्यूशन का पार्ट होगा ही होगा। अब दूसरा क्या सॉल्व करना पड़ेगा, जब 1 माइनस एक्स वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, स्क्वायर स्क्वायर कर दो, समझ रहे हो क्या, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो आप केसेस किस पे बनाते हो वो आपके ऊपर है। मैं इससे भी केसेस बना सकता था, इससे दो केस बनाता, एक्स या तो 1 से छोटा या 1 से बड़ा, और फिर सॉल्यूशन निकाल लेता। तो लिख लेना क्वेश्चन, जरूर सॉल्व कर लेना, मॉडुलस एक्स क्यूब माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस कर लेना, डीपीपी जो मिल रही है वो सॉल्व कर लेना। अभी इसमें आगे चलो एक बार, और एक मेरे को पॉइंट और बताना, वैसे तो क्वाड्रेटिक में आ जाएगा अगला क्वेश्चन। वापस से एक प्रॉपर्टी है, आप ये बता दो इसमें, सिंपल से एक एक स्टेप लिख लेना बस, इसमें बताओ ये दिया हुआ है आपको, मॉड के अंदर दिया हुआ है क्वाड्रेटिक और इधर भी क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। ये बताओ क्या इसको आप पॉजिटिव नंबर बोलते हो? हाँ, मॉडुलस पॉजिटिव। क्या इसको भी आप पॉजिटिव नंबर बोलते हो? हाँ पॉजिटिव। तो जब दोनों तरफ पॉजिटिव दिखे तो मॉडुलस हटाने का सबसे आसान तरीका है स्क्वायर, क्योंकि मॉड एक्स का स्क्वायर लिखो चाहे एक्स स्क्वायर लिखो बात एक ही है। और घबराना मत कि एक्स की स्क्वायर करके 4 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मैं बता देता हूँ आपको। बताओ इसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इसका स्क्वायर। स्क्वायर जब भी करें, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कोई बोले माइनस 2 बड़ा है माइनस 3 से, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या 4 बड़ा होता है 9 से? अब स्क्वायर मैंने पहली क्लास में बोला, स्क्वायर केवल तभी करना है जब आपको पता लगे दोनों तरफ पॉजिटिव है, ये हैं दोनों तरफ पॉजिटिव, इसलिए स्क्वायर कर सकते हो। अब इसको इधर ले आओगे ना तो ये ऐसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कभी पढ़ा है आपने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लगा देना ए प्लस बी ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर उसे सॉल्व करोगे सॉल्व हो जाएगा, नॉर्मल फंक्शन वेवी कर्व मेथड लग जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो सॉल्व जरूर कर लेना, जो जो पॉइंट्स हैं प्रैक्टिस के जो भी क्वेश्चन हैं उनको कर लेना। और मॉडुलस ऐसे सॉल्व नहीं होएगा, जब तक मॉडुलस हटेगा नहीं तब तक सॉल्व नहीं होएगा। मॉडुलस हटाने के लिए केसेस बना सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हो, अलग अलग तरीके हैं। अब वो जितने आपको याद रह जाएं, आगे बढ़ते हैं इसी में। और इसी में आप मेरे को एक पॉइंट ये आपको दिया हुआ है, ये एक और लिख लें, आप इसको आप लिख लें और क्वेश्चन जरूर कर लेना, ये आखिरी क्वेश्चन ही है, इसमें आपको एक ही पॉइंट समझने को मिलेगा। इसमें देखो सारे तरीके देख लोगे, लेकिन केस वाला तरीका, जैसे यहां पे बताओ नीचे वाला नंबर हमेशा पॉजिटिव है क्या? हाँ सर, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है और मॉड एक्स माइनस 5 भी पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 5, है ना। नेगेटिव होता तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती। अब यहां पे और कोई तरीका नहीं है आप सबसे, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर करोगे बहुत गंदी टर्म्स बनेंगी, केस बना लेना भैया केस। यहां से इस ब्रैकेट से पूछना ये कब जीरो हो सकता है, ये कब जीरो हो सकता है 0 और 4 पे, ये कब जीरो हो सकता है 5 पे, बस अब 4 केसेस बनाने पड़ेंगे आपको, 0, 4 और 5, 0, 4 और 5, एक बार 0 से छोटा, 0 से 4, 4 से 5, 5 से बड़ा। लेकिन जेई में कोई भी क्वेश्चन केसेस का आया नहीं है, वहां पे जो क्वेश्चन आता है ना उसमें बीच में कोई एक थॉट लगता है जिससे वो क्वेश्चन आसान हो जाता है, समझ रहे हो क्या। तो वो सोचना पड़ेगा, हो सकता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो लेस देन 0 करके, यहाँ पे लेस देन 0 दिया होता अगर तो नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर वाले नंबर को नेगेटिव ही होना पड़ेगा,
तो वो आसान पड़ जाएगा, ऐसा कुछ देगा आपको, तो वो समझ में आना चाहिए। तो ये केस आप जरूर याद कर लेना। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, लेकिन वो आज मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, दो पांच क्वेश्चंस हैं, है ना, वो कल करेंगे।